ओके सो हेलो सब गाइस, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस स्वागत है तुम लोग का एक और नई हमारी सेकंड घास्ट एसएमपी की वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग फाइनली खेलने वाले घास्ट एसएमपी में। मेरे को याद है लास्ट 8 दिन पहले मैंने एसएमपी का एक वीडियो अपलोड किया था एंड वो रिकॉर्ड मैंने बहुत पहले किया था। तो उस एसएमपी की वीडियो के बाद बहुत सारे नई नई चेंजेस आई है एसएमपी में, जो कि मैं आज तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरा घर भी चेंज हो गया, लिटरली पुराने वाला घर तो डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत सारी चीजें नई आई हैं। तो इसी के साथ गाइस हम लोग बताते हैं, हमारे चैनल पर फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं 100 सब्सक्राइबर्स। मींस अ लॉट यार, तुम लोग ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस इस चीज के लिए। इसके लिए फिर से इस वीडियो में एक लाइक कर दो, एम करते हैं 7 लाइक्स का। आई होप तो तुम लोग करवा दोगे। तो गाइस आज हम लोग फाइनली माइनिंग करने वाले हैं डायमंड्स की हमारे एसएमपी में। कुछ हमारे स्ट्रीम्स में तो बहुत सारी चीजें हो चुकी है, तुम लोग अगर स्ट्रीम्स नहीं देखते हो तो जाओ देखो यार, मजा आएगा। तो आज हम लोग बेसिकली डायमंड माइन करने वाले थोड़ा, एंड हमको कुछ सीक्रेट चीजें बनानी अपने घर में। देखो गाइस एसएमपी में अभी सीन कैसा होके रखा है ना कि पता नहीं बहुत सारी चीजें गायब हो रही है। चोरी वोरी का मैं नहीं बोलूंगा, बट चीजें गायब हो रही है अपने एसएमपी में। और चीजें गायब होना भी लाइक सो सैड यार, बिकॉज मैं इतना मुश्किल से एक चीज लेके आया था, मेरा डायमंड लेके आया था, मैं डायमंड गायब हो गया। तो इसी की चीज के लिए आज हम लोग कुछ अपना सीक्रेट चेस्ट बनाएंगे एंड उसी के साथ साथ अपना कुछ सीक्रेट फार्म बनाएंगे, बिकॉज बाहर पब्लिक्स के लिए जो खाने वाने का फार्म है उधर पे जाके कभी खाना मिलता नहीं है मेरे को, मैं हर टाइम भूखा ही आता हूँ वापस। तो हमारा कुछ प्राइवेट फार्म बनाएंगे एंड नए घर का टूर करवाएंगे तुम लोग को। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ओके तो गाइस अभी के लिए तो हम अपना माइनक्राफ्ट ऑन कर चुके हैं, देखते हैं एसएमपी के अंदर जाते हैं। अबे एसएमपी के अंदर एक मेंबर को एक है बे, कौन है भाई? इतनी रात को, रात के 4 बज रहे, इतने रात को कौन मेंबर घूम रहा है एसएमपी के अंदर? ओके गाइस लास्ट टाइम मैं टाउन हॉल के अंदर आया था और टाउन हॉल के अंदर अभी मैं तुमको चल के सारी की सारी चीजें दिखा देता हूँ। चलो इधर से हम थोड़ा बहुत नीचे चलते हैं, चल के तुमको सारी चीजें दिखा लेता हूँ। एंड ये देखो हमारे सारे के सारे विलेजर्स, एक अच्छा हमारे इंसेन भाई, हमारे इंसेन भाई अभी अपने एसएमपी के अंदर है। ये देखो गाइस ये वाले विलेजर को मैंने लास्ट टाइम जर्नी मैन तक कन्वर्ट किया था, मैंने एंड कार्नेज ने मिलकर इसको जर्नी मैन बनाया था। तो यार ये विलेजर बड़ा ही ग्रोथफुल है अभी हमारे लिए। अभी हमारे इंसेन भाई देखते हैं, इंसेन अभी ये भी जर्नी मैन बन गया भाई, चलो मस्त है। हर एक विलेजर जर्नी मैन बने जा रहा है और हमको एमरल्ड्स दिए जा रहा है। और यार क्या किसके बदले क्या दे रहा है भाई, मेलन के बदले एमरल्ड दे रहा है, चलो नहीं चाहिए। अभी हमारे पास बहुत सारे एमरल्ड्स एंड बाकी चीजें हो रखी है। तो चलो गाइस तुमको सब कुछ दिखाते हैं, इधर हम विलेजर्स लेके आ गए थे लास्ट टाइम के बाद। एंड ये रहा हमारा फाइनली नया वाला घर, उधर पे हमारा घर था जिस जगह पर अभी तुम पोर्टल देख रहे हो, इधर पे हमारा घर था। तो लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि हमारा जो कार्नेज है उसका घर अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो फाइनली कार्नेज ने अपना घर बना लिया, हमारा दोस्त ने घर बना लिया है। एंड ये जो है हमारा टाउन हॉल है, टाउन हॉल को हमने और भी ज्यादा अपग्रेड किया लास्ट वीडियो में। आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को टाउन हॉल देखने को मिला था, तो टाउन हॉल को भी हमने बहुत ज्यादा अपग्रेड किया, बहुत सारी चीजें की। एंड ये रहा गाइस फाइनली हमारा घर, तुम लोग इसको बोल सकते हो किसी गेमर क्रिएट से कॉपी किया हुआ है, नहीं ब्रो कॉपी नहीं यार इंस्पायर्ड है। तो ये है हमारा घर गाइस, इस पे अभी और भी काम होना बाकी है, बहुत सारी चीजें करेंगे। एंड इस जगह पर आके देखो हमारे पास एक एंशिएंट डेब्रीज, हमारे पास 4 एमरल्ड्स है, एमरल्ड ब्लॉक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे इंसेन भाई हैं कहाँ पे, उनको थोड़ा बुला बुला लेता हूँ, देखते हैं इंसेन भाई को मैं मैसेज करता हूँ। चलो गाइस हमने हमारे इंसेन भाई को एक मैसेज डाल दिया, ब्रो वीसी में आ रहे हो क्या? फिर देखते हैं वो आते हैं कि नहीं, वो अगर आते हैं तो फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं इंसेन भाई। तो इंसेन भाई है कहाँ? ओके चलो उनने हमको मैसेज कर दिया, देखते हैं गाइस इंसेन भाई को बुलाते हैं, टाउन हॉल के अंदर बुलाते हैं, डीसी में पहले जाते हैं। चलो हेलो इंसेन भाई। हेलो। अरे भाई भाई कहाँ पे हो भाई? अरे भाई यार अपना घर बनाने के लिए का उतना बड़ा बड़ा घर है, गरीब लोग इधर ऐसे रह रहे हैं, अभी इधर ही हो, किधर हो? अरे टाउन हॉल में आ जाओ, टाउन हॉल पे मैं घूम रहा हूँ टाउन। ओके गाइस तो पता नहीं यार इंसेन भाई का अचानक से क्या सीन हो गया, इंसेन भाई अभी दिख ही नहीं रहे मेरे को कहीं पे, मतलब कहाँ पे चले गए पता ही नहीं चल रहा। अभी जस्ट जब मैंने बुलाया था तभी आ गए थे, मतलब इधर पे एसएमपी के इधर, तो मतलब इधर टाउन हॉल के यहाँ पे नहीं आए, बट आके मेरे को बोले कि आ रहा हूँ, बोल के फिर निकल लिया पता नहीं कहाँ पे। शायद उनका इंटरनेट का कुछ सीन हो गया था। सबसे पहले चलो हम चल के अपने घर पे एक बार सो जाते हैं, बिकॉज यार
मॉब्स अभी स्पॉन हो रहा है तो हमको सोना ही पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट इधर, अबे भाई अभी मैं उधर से ही चले जाता, मैं जल्दी से सो जाता हूँ यहाँ पे। ओके तो गाइस अभी के लिए तो हम सो के उठ चुके हैं, और इंसेन भाई का मेरे को पता नहीं शायद उनका इंटरनेट का कुछ सीन हो गया इसीलिए वो आ नहीं पाए, बट चलो हम अभी के लिए अपना काम थोड़ा बहुत जारी रखते हैं। ये देखो क्रीपर स्पॉन हो गए, ये लोग का भाई अलग सीन है। सीन है कि मेरे को मेरे घर के नीचे गाइस मैंने एक सीक्रेट एरिया किसी को नहीं दिखाया आज तक। हाँ कार्नेज को पता है, कार्नेज से हम सीक्रेट हमारे शेयर करते रहते हैं, उसको भी मतलब हमारा सीक्रेट उसको भी पता है, उसका सीक्रेट हमको भी पता है, तो ऐसा सब सीन है। हर एक हम दोनों के मतलब दोनों की चीजें दोनों को मालूम है। तो ये है मेरा नीचे का सीक्रेट एरिया जहाँ पे मैं चीजें वीजे बनाने का सोचा हूँ सारा मेरा घर का काम। इसको बंद कर देते हैं ताकि पानी वानी ना आए, ये पता नहीं कैसे तो कैसे खुल गया होगा। इस जगह पर अभी मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है, लिटरली इस जगह पर भी नहीं, मैं इसके नीचे कहीं भी जाके कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने मतलब एरिया ऐसा छोड़ा है ना कि इसके नीचे जाके मैं इतना ब्लॉक का डिफरेंस देके मैं फिर से कुछ कर सकता हूँ। तो आज मैंने ऐसा सोच के रखा है कि एक खाने वाने का फार्म बनाएंगे, जैसे कि मुर्गियों का फार्म जो बाहर बना हुआ है। अबे भाई मैं टॉर्च से लेके आना भूल गया, बट चलो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जल्दी से जल्दी जगह कदम खादी शुरू करते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा एरिया एक्सटेंड करना है यार मेरे को अभी इसमें। ओके तो गाइस अभी के लिए देखो इतना बड़ा एरिया मैंने कर दिया है, ये हाफ मतलब 50% एरिया तो मैंने कंप्लीट कर दिया और 50% एरिया भी बचता है। तो वो 50% एरिया मैं क्या करूंगा, ये वीडियो के बाद में वो आराम से बना लूंगा, बिकॉज अभी पूरे के पूरे एरिया की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को बस जितना चाहिए उतना ही मैं ले रहा हूँ, उससे मेरे को लेना होगा फेंस के ये लेने पड़ेंगे। गेट की मेरे को अभी के लिए जरूरत है नहीं, गेट मेरे को नहीं अभी गेट नहीं चाहिए, तो मैं ये सब ले लेता हूँ। एंड एक बैरल है तो बैरल ले लेते हैं, एंड इसके साथ साथ ही मेरे को चाहिए होंगे कुछ हॉपर्स, जो कि दो हॉपर्स मेरे पास है। चलो दो हॉपर्स से अभी के लिए काम हो जाएगा, दो हॉपर्स या फिर देखते हैं हॉपर्स की रेसिपी देखते हैं, उसके बाद हॉपर्स बनाते हैं। रुको हम बनाते हैं कुछ चेस्ट, दो चेस्ट मैंने बना लिए, चलो नहीं दो नहीं दो चेस्ट मतलब चार चेस्ट मैं बना लेता हूँ, एंड इसके बाद हम लोग बनाएंगे कुछ हॉपर को तो करते हैं, एंड हम हॉपर चार हॉपर हमारे बन जाएंगे। चलो गाइस अभी हमारे पास छह के आसपास हॉपर हो चुके हैं, एंड या आई थिंक दैट्स एनफ। ओके तो देखो गाइस ये इधर हमारी मुर्गियां आ चुकी है, अभी जब इन पर मैं स्वॉर्ड मारूंगा तो मेरे पास खाना आ जाएगा नीचे से। बाकी इसका मैं कुछ सीन बिठाने वाला हूँ अभी, जिससे कि ये चीज फुल्ली ऑटोमेटिक फंक्शनल हो जाएगी, मेरे को मतलब वो भी नहीं करना पड़े, चिकन को कुक्ड भी नहीं करना पड़े, तो वो चीज़ अभी मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इधर से वाटर ले लेता हूँ, एंड ऊपर तो चल के थोड़ा सा लैडर्स लेके आता हूँ, जिससे कि मैं नीचे एटलीस्ट तो जा पाऊँ। तो सीक्रेट चीज़ों को रखने के लिए तो मतलब सीक्रेट चेस्ट बनाने के लिए तो उसमें पहले सीक्रेट चीज़ें रखनी पड़ेंगी ना। तो हम क्या करते हैं गाइस, अभी सारा काम अपना डन हो चुका है, सबसे पहले चलो माइनिंग पे चलते हैं, बिकॉज माइनिंग का काम भाई बहुत ज़्यादा वो लेंथी प्रोसेस होता है। एंड अभी मैं देखूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि घर के नीचे से ही एक जगह खोद देते हैं जहाँ से हम माइनिंग पे जाएंगे, तो चलो वो चीज करते हैं जल्दी से जल्दी। ओके तो गाइस अभी के लिए माइनिंग पे जाने के लिए जितनी चीजें चाहिए मैंने ले ली है, ये देखो दो मैंने पिकेक्स ले लिया आयरन के, एंड कुछ पिकेक्स मैंने कॉबल स्टोन की भी मतलब स्टोन की भी ले लिया जा, ताकि मेरे को माइनिंग पे काम आए। एंड मेरे को मैं अभी ऊपर जाके क्राफ्टिंग टेबल भी ले ही लूंगा, ताकि रास्ते में ऐसा मेरे को अभी रात हो रही है मेरे को सोने जाना पड़ेगा। तो इधर पे क्राफ्टिंग टेबल, अच्छा छह क्राफ्टिंग टेबल है, मैं एक क्राफ्टिंग टेबल इधर से ले लेता हूँ, एंड इधर पे फर्नस भी होंगे, तो फर्नस कहाँ पे, मैं इधर से दो फर्नस ले लिया, चलो फर्नस भी ले लिया। एंड मेरे पास अभी एनफ कोल भी है, तो सारी की सारी चीजें मेरे पास है। एंड खाना, मेरा खाना कहाँ है से, हाँ कहीं तो एक मैंने खाना पका, अच्छा ये रहा हमारा खाना, खाना भी हमारा बन चुका है गाइस। तो चलो जल्दी से एक बार निन्नी करते हैं, निन्नी करके फिर हम निकल लेते हैं माइनिंग के लिए। अभी देखते हैं हम घर के नीचे से ही माइनिंग पे जाएंगे, जितना मेरे को लग रहा है कि चलो यार घर के नीचे से ही चले जाते हैं, इधर से एकदम खोज जाते हैं। ये देखो गाइस मुर्गियां, बहुत सारी मुर्गियां बड़ी हो चुकी हैं, ये इधर बिल्लियां फंस गई, बिल्ली फंस गई गाइस। चलो अभी के लिए हम इधर से ही जाने का रास्ता बनाते हैं गाइस, इसको थोड़ा सा अंदर से चलते हैं। अभी हम कौन से हाइट पे हैं, अभी हम 49 ब्लॉक्स की ऊंचाई पे, तो हमको जाना है करीब 15 के नीचे एक्सेस करना है हमको, 48 पे आ चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ गाइस जल्दी से 15 की एक्सेस में जाता हूँ, एंड देन तुम लोग से मिलता हूँ, बिकॉज वीडियो मतलब लंबा करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो चलो मैं जल्दी से जल्दी उधर पहुंचता हूँ, एंड देन तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके तो गाइस अभी मैं 14 के एक्सेस पर आ चुका हूँ, एंड मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास कहीं तो वो है यार, लावा है मेरे आसपास। ये देखा मैंने क्या बोला गाइस, आसपास ही लावा है, तो हमको थोड़ा सा भी ध्यान रख के चलाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अभी इसको डिग विग कर देते हैं, ताकि हमको पता चलते रहे कि हम क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं। तो
या इस साइड के लिए ये एनफ है, अभी इस साइड से हमने एक बना दिया, अभी इस साइड से हम सेम टू सेम उसके जैसा ही एक बना देंगे, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि मतलब हमको कितने जाना है। सामने की तरफ से हम एक बनाएंगे, फिर इसके दो दो ब्लॉक के जाके एक बनाएंगे, मतलब ऐसे हम जाने के लिए रास्ता बनाएंगे जिससे कि हमको हर एक चीज मालूम पड़ता रहे। एंड अभी हमको बहुत सारे डायमंड लिटरली माइन करने भाई, कुछ 40 या फिर 48 के आसपास शायद से डायमंड लगता है एक फुल आर्मर सूट अप करने में। चलो गाइस इसको भी हमने थोड़ा बहुत डिग आउट कर दिया। एंड अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से हम मैं जानना चाहता हूँ इस साइड की तरफ को, तो चलो जल्दी से इस साइड पे चलते हैं। एंड मेरे को भूलना नहीं है कि मेरे को टॉर्च वॉर्च लगा के चलना है, इसीलिए मैं ज्यादा करके टॉर्च लेके आया। तो इधर पे हम टॉर्च वॉर्च लगा, इतना फेयर भी नहीं करूंगा भाई, इतना ज्यादा टॉर्च भी नहीं होगा हमारे पास। ओ गाइस इधर पे हमको गोल्ड स्पाइडर है, इधर मैं थोड़ा डर गया था, तो हमको इधर गोल्ड मिल चुका है गाइस। सबसे पहले तो मैं इधर टॉर्च लगाता हूँ एक, एंड अभी जाने के साथ साथ ना मेरे को ये वाला एरिया को करना है बंद यार। 5 hours later ओके गाइस, तो फाइनली भाई लिटरली मेरे पास ये लास्ट वाला एक पिकेक्स बचा हुआ था, और इसके बाद मैं लिटरली घर जाने वाला था बिकॉज मेरे पास पिकेक्स नहीं था। एंड फाइनली हमको मिल चुका है गाइस हमारा फर्स्ट वाला डब। फाइनली हमको मिल चुका है गाइस हमारा फर्स्ट वाला डब। It was at this moment that he knew he fucked up. सर गाइस मैं चिल्ला दिया यार, सॉरी भाई, लिटरली फट गई थी मेरी, अगर क्रीपर मर जाता तो फिर वो हो जाता, फक हो जाता भाई। गाइस फाइनली हमको हमारा पहला डायमंड मिल चुका है। मैं इधर चारों तरफ पहले टॉर्च लगाता हूँ भाई ताकि कोई क्रीपर दोबारा ना आ जाए। लिटरली चलो देखते हैं पहले हमको कितना डायमंड मिला है भाई। ओके सो गाइस फाइनली मेरे को 4 डायमंड मिल चुके हैं, और ये मेरे को भाई बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है बिकॉज यार इतना देर से मैं डायमंड मतलब माइनिंग कर रहा हूँ और इतना देर बाद बस 4 डायमंड मिला, बट अभी कर भी क्या सकते हैं। फाइनली गाइस हमको डायमंड मिल चुका है, तो इसी के लिए कर देना यार इस वीडियो को लाइक, अभी मैं घर जाने वाला हूँ बिकॉज बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। चलो यार गाइस यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद है तो लाइक करके बता देना यार। एंड अगर नहीं पसंद आता तो मेरे को वो चीज भी तुम लोग बता सकते हो कि भाई वीडियो पसंद नहीं आया, फिर मैं क्या कर सकता हूँ वीडियो को तुम लोगों को पसंद दिलाने के लिए, मैं कौन सी नई चीजें कर सकता हूँ, तो वो चीज मेरे को तुम लोग ही बताना ठीक है ना। एंड अभी मैं जल्दी से जल्दी गाइस मैं घर की तरफ को चलता हूँ। एंड तुम लोग कर देना इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इस साल के एंड तक 1K सब्सक्राइबर जाना है। एंड ये यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ तुम लोग को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो जो भी बोला मैंने वही कर देना, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। एंड या गाइस तो बाय। काफिराना रास्ता है, इश्क है या ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इधर से आवा। काफिराना रास्ता है, इश्क है या